एक पति पत्नी जिनकी शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, वो बड़ी श्रद्धा के साथ माता रानी के दर्शन को जाते हैं। दर्शन के बाद उनके साथ एक हादसा हो जाता है और पति बिछड़ जाता है। पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा और वह रोती बिलखती हुई माता रानी के दरबार में दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए माता रानी से क्या गुहार लगाती है। ध्यान से सुनिए। दर पे तेरे आया था ललन के लिए, दर पे तेरे आया था ललन के लिए, ललन के लिए, हाँ हाँ ललन के लिए। दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए, दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए। दर पे तेरे आया था ललन के लिए, दर पे तेरे आया था ललन के लिए, ललन के लिए, हाँ हाँ ललन के लिए। दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए, दिया तूने कुछ भी नहीं था। तू तो बस पत्थर की मूरत है, मुझे तेरी नहीं जरूरत है, तेरी चौखट पे क्यों आया मैं, आके सब कुछ अपना गवाया मैं। मेरे जीने का एक सहारा था, सबकी आंखों का वो तारा था। कहूंगी सास क्या जब पूछेगी, बेटे के तड़प से जब जूझेगी, ऐसा लगता है अपनी राहों में कांटे बोलिए। दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए, दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए। तुम तो सारे जहां की माता हो, दीनी और दुखियों की विधाता हो। माफ करना मुझसे भूल हुई, बिना सोचे समझे झूल गई। मुझ पर तूने बड़ा एहसान किया, एक साथ तूने 2 संतान दिया। एक फरियाद मेरी और सुन लो, मेरी मांगों का सिंदूर तुम भर दो। मेरी तो सुन ली तूने, अब सुनो दो बच्चों के लिए। दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए, दिया तूने कुछ भी नहीं था वो ले लिए। तेरी महिमा जग से निराली है, कोई गया ना अब तक खाली है। सच्चे मन से जो याद करते हैं, उनकी झोली मैया भरती है। झोली राकेश हबीब का भर दे माँ,
दुखवा रंजित रमन का हर ले माँ। जो हुआ गलती मुसाफिर से क्षमा करके लगा लो चरणों से। सरवन राजा का दुखवा मैया जी हर लीजिए, दिया तूने कुछ भी नहीं था।